नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राव। देखें क्वेश्चन आधारित। आप लोगों को पता है कि अभी पिछले कुछ समय पहले भी ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, सारे राइट विंगर्स ने, सारे राष्ट्रभक्तों ने, राष्ट्रवादियों ने अल्पेश यादव के समर्थन में एक मुहिम चलाई ट्विटर पर, और इसका रिजल्ट भी आया कि कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। यूट्यूब पर बहुत प्रेशर पड़ता है तो एक बार दो बार तीन बार वो रीचेक करता है, कहता है कि अच्छा हाँ कुछ नहीं पाया हमने, सॉरी हमसे गलती हो गई। खैर, उसी तरीके से AKTK के साथ भी हुआ, सब लोकतंत्र के साथ हुआ, सत्य सनातन के साथ भी अभी हाल ही में हुआ, इन सबके साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? और एक कॉमन लिंक और है कि कैरोलिना गोस्वामी, इंडियन डिटेल्स करके उनका एक चैनल है, उन्होंने कुछ समय पहले ध्रुव राठी भैया की छोटी सी एक बात को पकड़ते हुए ये कहा कि आपने तथ्यों के साथ मैनिपुलेशन किया है, वेबसाइट के आर्टिकल को गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया है, जिस तरीके से वो हैप्पीनेस रिपोर्ट को नापते हैं आपने गलत मापदंड को, मतलब स्टैंडर्ड्स को बताया कि ऐसे ऐसे नापा जाता है, आपने कुछ चीज़ें बस गलत बताई है, मैं हम्बली उसको करेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ उतना ही कहने भर के लिए। अब क्योंकि राष्ट्रवादियों का समर्थन उनको मिल गया, हर प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल होने लगी, ठीक है, ऐसे समर्थन मैं चाहता हूँ आप सबको करिए। आप थोड़ा रुकिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे कहनी है। अगर आप तक वीडियो पहुँच भी रही है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी भी रीच रोकने का काम किया जा रहा है, ऐसा मेरे एक व्यूअर ने बताया है और मुझे भी फील हो रहा है, इसका कारण मैं आपको दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फिर कुछ वीडियोस बनाई, उन्होंने बताया कि मेरे पीछे ध्रुव राठी की स्क्वाड बढ़ चुकी है, मुझे थ्रेट्स आते हैं, मेरी फैमिली को अब्यूज आते हैं, मेरे बच्चे हैं, कमेंट्स आप देखिए, तमाम चीज़ें, हर तरह का अटैक उनको किया जा रहा है, हरासमेंट दबा के हो रहा है। यही हरासमेंट आप अगर देखेंगे तो मेरे साथ अल्पेश यादव, AKTK, जितने भी राइट विंगर्स हैं, जितने भी नेशनलिस्ट हैं, जितने हिंदू नेशनलिस्ट हैं, और हर वो यूट्यूबर जिन्होंने एक बार भी ध्रुव राठी या लेफ्ट कम्युनिटी, जितने भी लेफ्टिस्ट ना हो, इस्लामिस्ट, इनके खिलाफ कुछ भी बोला है, इनको हल्का सा भी एक्सपोज कर दिया, हल्के से भी इनकी टांग खींच दी, तो उनसे देखा नहीं जाता है। कैसे? ध्रुव राठी की किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी आप नेगेटिव कमेंट करिए, वो आधे घंटे से ज़्यादा टिकेगा नहीं, वो हटा दिया जाएगा, उसको अपनी इतनी सी भी बुराई बर्दाश्त नहीं है। क्यों? अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, पब्लिक फोरम पर हैं, तो आपकी क्रिटिसिज्म होगा। मेरे कमेंट में लोग गालियां देके चले जाते हैं, मैं नहीं हटाता हूँ। अगर यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से वो गायब हो जाता है तो अपने आप गायब हो जाता है, मैं खुद नहीं हटाता हूँ फिल्टर करके कि चलो डिलीट कर दिया जाए, ये वर्ड्स मुझे पसंद नहीं। जिसको जो, अगर आप अप्रिशिएशन के लिए रेडी हो, क्या आप उसी के भूखे हो? आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सुधार करने पड़ेंगे, लेकिन वो बंदा, उसको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कि मुझे हल्का सा भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, तो भाई एक्सपोज और रोस्ट उसको कहाँ से बर्दाश्त होगा, उसकी तो आग लग जाएगी। तो ऐसे उसने परेशान किया सबको, उसने परेशान किया स्ट्रिंग को, उसने परेशान किया AKTK को, उसने परेशान किया सत्य सनातन को, उसने परेशान किया अल्पेश यादव को। मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका एक हल्का सा रोस्ट जैसा कुछ किया था, उसके व्यू 5,000 के आसपास ही आए थे। मेरे चैनल पे जो मैं आपसे कह रहा था कि मेरी रीच रोकी जा रही है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, और इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है मेरे चैनल पर 15,600 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल पर व्यूज़ कितने आते हैं? 1500 भी नहीं आते हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स का 10% का भी व्यू नहीं रेशियो आता। ध्रुव राठी का चैनल मेरी ही कैटेगरी का चैनल है, कैटेगरी मतलब पॉलिटिक्स, सोशल एनालिसिस, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर वो वीडियो बनाता है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कहाँ वो 4 मिलियन के ऊपर कहाँ मैं। खैर, कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये समझिए कि रीच का लेवल क्या है, कितनी जल्दी किसकी रीच है। उसका 4 मिलियन है, एक दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर 50% का रेशियो है, उसकी वीडियो में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ जाते हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ जाते हैं, और मेरा महीना भर भी बीत जाए तब भी वीडियो 500,000 भी कभी कभी टच नहीं करता है। तो क्या ये मानना ठीक नहीं होगा कि इंटेंशनली मेरी वीडियो की रीच को दबाया जा रहा है, चैनल की रीच को दबाया जा रहा है? आपका क्या कहना है? अब इसके मैं 2-3 कारण निकालता हूँ। जिन जिनका भी चैनल बैन होता है या फिर उनके भी रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि हफ्ते हफ्ते बार आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, मोनेटाइजेशन कैंसिल कर दिया जाता है, वो उनके चैनल पर ऐड नहीं आते, कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं, कुछ नहीं, सब बंद। अब इसका मैं 2 मतलब समझता हूँ। पहला कि लेफ्ट कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इतना डोमिनेट कर रही है कि यूट्यूब जितना, गूगल जितना बड़ा टेक जाइंट भी उनके आगे झुक चुका है। दूसरा कि ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बाकियों ने कुछ ना एक्सेप्ट कर लिया है, ये सारे के सारे लेफ्ट लीनिंग हैं और समर्थन करते हैं खुला। तीसरा, जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, नॉन BJP पार्टीज जितनी भी हैं, जिनके लिए बोलते हैं या इनके बोलने से इनका फ़ायदा होता है, वो खुल के समर्थन कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली सही, मतलब किसी को पता नहीं चले, इन्हें तो पता चलता ही होगा, समर्थन इनको प्राप्त, इन्हें फर्क पड़ता है, इन्हें डर लगता है कि राइट विंगर्स
इनकी आवाज़ से, इन यूट्यूबर्स, इन राष्ट्रवादियों के वीडियो से इनके एजेंडा में खलल पड़ रहा है। इनको डर लग रहा है कि अब ये सक्सेसफुल उस रेट में नहीं हो पाएंगे और शायद हो भी नहीं पाएं, क्योंकि ये आ चुके हैं, इनकी आवाज़ ही पैरेलली काउंटर करती है इनको। अब इसका प्रूफ आप उसी से ले लीजिए कि भले अल्पेश यादव के साथ जो हुआ, AKTK, सब लोकतंत्र, सत्य सनातन, अगर ये सारे के सारे मिलके, इनकी ऑडियंस मिलके ट्विटर पे कुछ ट्रेंड कराती हैं तो यूट्यूब तक बात पहुंचती है, यूट्यूब एक्शन लेता है, कई बार रिव्यू में डालता है दिखाने के लिए कि चलिए 10 बार, मतलब एक बार फिर रिव्यू में डालते हैं, फिर कहता नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ खास दिक्कत नहीं थी, और चीज़ें वापस हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अपने पास भी पावर है, बस द थिंग इज़ कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि कब उस पावर को एकजुट होकर दर्शाना है, दिखाना है और चीज़ों को वापस से सही कर देना है। अगर ये वीडियो किसी तरीके से आप तक पहुंच चुकी है, आप देख रहे हैं और अब अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो प्लीज़, आपके हाथ में क्या है, आपकी क्लिक, प्लीज़ इस वीडियो को, इस वीडियो इन द सेंस हर वो राष्ट्रवादी चैनल की वीडियो जो आपको लगता है कि आपके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके हर उस वीडियो को जो आपको ज़रूरी लगे उसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, उस एंगेजमेंट को बरकरार रखिए कि अगर रीच को रोकने की कोशिश भी की जाए तो मैनुअली हर वो ऑडियंस जो भी एक बार वीडियो को देखने के लिए क्लिक करे वो मैनुअली उसकी रीच को इतना बढ़ा दे कि चाहे कोई जिस AI से, जिस एल्गोरिथम से, जिस मास रिपोर्टिंग से, जिस तरीके से उसको रोकना चाहे वो रुके ना। खैर इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यानी जो टेक्निकल माइंडेड पीपल हैं, वो थोड़ा दिमाग लगाएं, एक प्रोजेक्ट पे काम करें, एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करके रखें पैरेलली, एक जाइंट इंडिया में क्रिएट हो और भारत की राष्ट्रवादी जनता उसको समर्थन करेगी, तुरंत सारे के सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। हमें न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की मांग है, हम ये नहीं कहते कि वो एक राइट विंग बायस होगा और लेफ्ट विंगर जो भी आएंगे उनको हम दबा देंगे, नहीं। हमें कभी आपने देखा है कि ध्रुव राठी और ये सारे जितने लेफ्टिस्ट हैं, ये इन लोगों ने कभी आके बोला हो कि हमने इनके ऊपर वीडियो बना दी तो मेरा चैनल उड़ गया, हमने इनके ऊपर वीडियो बना दी तो वीडियो उड़ गई, हमने इनके ऊपर वीडियो बना दी तो मोनेटाइजेशन हट गया? कभी आपने उनको ऐसा कहते हुए सुना है? कभी नहीं सुना है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। खैर इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहूँगा कि अपना समर्थन बरकरार रखिएगा, किसी भी तरह कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो तो आपने इसको देखा हुआ है, नए हैं सब्सक्राइब की बना मत जाइएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।